हेलो गाइस। हेलो। तो हमने कुछ ड्रेसेस बनाई हैं साड़ियों से, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये मेरे पास एक पिंक कलर की साड़ी थी, तो इसकी मैंने जैकेट बनाई है फुल स्लीव्स वाली। ये पूरी साड़ी सीक्वेंस वर्क वाली थी, तो इसकी मैंने ये फुल लेंथ जैकेट बना ली है। अच्छा, और इसके बाद इसमें से जो कपड़ा बचा उसका मैंने इसका मैचिंग दुपट्टा भी बना लिया है। तो उसकी जो लेस थी वो मैंने इसमें लगा दी है दुपट्टे में इस तरीके से। तो ये हमारा एक गाउन और एक दुपट्टा रेडी हो गया है। तो इसके लिए मैंने ये करवा चौथ की ड्रेस बनाई थी। इसके लिए ये एक फुल लेंथ अम्ब्रेला स्कर्ट बनाई है। अभी इस पर प्रेस नहीं, इसलिए सुखड़ी लग रही है, लेकिन पहन के बहुत अच्छी लगती है। ये बनाई है इसके साथ और ये इसका ब्लाउज। तो इन तीनों को पेयर अप करके मैं इसकी फोटो यहाँ साइड में डालूंगी, आप वो देखना ये कैसा लगता है। और फिर इसी कपड़े में से कपड़ा बच गया था, तो उसका मैंने एक ये कुर्ती बना ली है। और इस कुर्ती में मैंने नीचे यहाँ पे ये कुछ डिज़ाइन दिया है, फ्लावर डिज़ाइन। और फिर इसी जैकेट को दोबारा रीयूज करने के लिए, इस जैकेट के लिए मैंने एक प्लेन फुल लेंथ गाउन बनाया है, जिसको हम इस जैकेट के साथ पेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी तो उसमें मैंने एक सूट दिखाया था आपको, ये फुल स्लीव्स वाला सूट। ये था, ये मेरी बेटी के लिए लहंगा लेके आए थे हम 9 साल पहले, तो उसने दिवाली पे पहना था लहंगा। उसके बाद फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है ये फ्रंट स्लिट सूट में। ये यहाँ से ओपन हो गया है और इसके अंदर दो अस्तर थे, एक ये वाला कपड़ा था रेयॉन वाला और एक ये शाइनिंग वाला कपड़ा था। तो इसके अंदर दो दो अस्तर थे। तो जो रेयॉन वाला कपड़ा था उसको मैंने सूट की इनर बना लिया, सूट का जो अस्तर का काम करेगा वो वाला बना लिया। और इसकी जो बच्चों के लिए छोटे छोटे दुपट्टे आते हैं ना, उसकी मैंने चूड़ीदार स्लीव्स बना ली, इसमें अस्तर की जरूरत नहीं थी। और इसका जो शाइनिंग वाला कपड़ा था इस तरीके का साटन टाइप का, तो उसमें मैंने अपना पुराना पजामा यूज़ किया है और उसको कवर करने के लिए ये एक नया पजामा रेडी हो गया है। आप इस किसी के भी साथ यूज़ हो सकता है ये। तो ये एक बहुत बढ़िया पार्टी वेयर ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है, फुल लेंथ बन चुकी है इसकी, फुल लेंथ फ्रंट स्लिट। और इसका घेरा भी काफ़ी अच्छा आया है। इसकी भी मैं आपको पिक्चर्स, इसकी आपने अगर शॉर्ट्स नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। और ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छे लगे तो नेक्स्ट हम और भी नए नए कपड़ों को रीयूज़ करके नए डिज़ाइन कैसे बनाएंगे वो लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।